टमाटर भी स्मोक हो रहा है चटनी के लिए, और यहाँ पे चिलीज। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल पू व्लॉग्स एंड हैप्पी संडे। आज के संडे फंडे में आई थिंक दिस विल बी माय लास्ट विजिट टू माय विलेज, सो मैं सबसे नहीं मिल पाऊंगी, और स्पेशली दादी से तो मैं नहीं मिल पाऊंगी गाइस, क्योंकि आई गेट वेरी इमोशनल। मैं बुआ से मिलने वाली हूँ, और जो हम लोग के यहाँ पे स्ट्रीट फूड है, बहुत ही कॉमन स्ट्रीट फूड है, जो आपको अरुणाचल के हर कोने में नजर आएगा, मतलब कि मेरे टाउन के हर कोने में आपको नजर आएगा, वो है बियर कैन के अंदर चिकन। बियर मिक्स नहीं करता है, लेकिन बियर कैन के अंदर में चिकन मसाला वसाला सब डालकर पकाता है, तो उसको आप थोड़ा सा लोकल स्टाइल में बिना मसाला का भी बना सकता है, बैम्बू शूट डालकर। तो अभी मैं निकलती हूँ थोड़ी देर में, सबसे पहले मैं कर लेती हूँ हेयर वॉश, क्योंकि मैंने कल किया था ऑयलिंग। तो गाइस, विंटर्स जब भी होते हैं तो वेदर बहुत ही ड्राई हो जाता है, और मुझे अभी भी याद है कि जो मेरी दादी है वो मुझे हर समय आलमंड्स देती है, मुट्ठी भर आलमंड्स देती है खाने के लिए, और आलमंड को हम लोग ड्राई फ्रूट्स का किंग भी बुलाते हैं, और उसमें ओवर 20 इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, जो कि हमारे हेयर के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। विंटर्स के समय मेरा जो स्कैल्प है वो बहुत ही इची और ड्राई हो गया था, उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि जो मेरा न्यू हेयर ग्रोथ होगा तो उसको मैं बहुत अच्छे से नरिश करूंगी, इसीलिए मुझे आइडिया आया कि व्हाई नॉट ट्राई मामा अर्थ का आलमंड रेंज शैम्पू कंडीशनर एंड ऑयल। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है मामा अर्थ आलमंड हेयर ऑयल विद कोल्ड प्रेस्ड आलमंड ऑयल एंड विटामिन ई। इट डीपली नरिशेस स्कैल्प हेयर एंड प्रमोट्स हेल्दी हेयर ग्रोथ, प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर ग्रेइंग। इसको अप्लाई करने के लिए आप अपने बालों को दो हिस्सों में पार्ट कर ले, उसके बाद जो इसमें एप्लीकेटर मिलता है वहाँ से आप ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सीधा आपके हेयर रूट्स में पहुँचता है। नेक्स्ट इज मामा अर्थ आलमंड शैम्पू विद कोल्ड प्रेस्ड आलमंड ऑयल एंड द गुडनेस ऑफ विटामिन ई। सबसे पहले तो आप अपना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ शैम्पू ले लें, उसके बाद अपने गीले बालों में हल्के हाथों से अच्छे से मसाज करिए, फिर पानी से रिंस कर दीजिए, फिर आप अप्लाई करिए मामा अर्थ आलमंड कंडीशनर आल्सो विद कोल्ड प्रेस्ड आलमंड ऑयल एंड द गुडनेस ऑफ विटामिन ई। अपना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कंडीशनर ले, उसके बाद अपने डैम्प हेयर पे इसको अप्लाई करें बालों के मिड लेंथ से ऑल द वे डाउन। लीव इट फॉर 2 to 3 मिनट्स एंड देन रिंस थोरली। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मामा अर्थ आलमंड रेंज शैम्पू कंडीशनर और ऑयल यूज करने के बाद आई कैन नॉट स्टॉप शोइंग ऑफ माय हेयर, बिकॉज अगर आप अभी भी वीडियो में देख सकते हैं कि इट्स सो शाइनी एंड हेल्दी। कैप्स लगाना, स्कार्फ लगाना अवॉइड कर रही हूँ, सो दैट मैं अपने हेल्दी एंड हैप्पी हेयर को दिखा सकूँ। और गाइस, सबसे अच्छी बात तो ये है कि मामा अर्थ आलमंड हेयर के रेंज को आप एवरी हेयर टाइप के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, एंड एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। और गाइस, मामा अर्थ ऐसा पहला इंडियन ब्रांड है जो कि प्लास्टिक पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। ऑल्सो यूज माई डिस्काउंट कोड जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपको परचेस करना है तो मामा अर्थ ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उससे मामा अर्थ का ऐप डाउनलोड करिए। अमेजोन, नाइका, पर्पल इन सब में अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई हूँ बुआ के घर। हाँ नानी, कैसा है? नानी भी तोड़ा है, पूरी हो गया ना। थोड़ा पतली हो गया लग रहा है आप। हम उस दिन बीमार है ना। ओह, ए थैंक यू, वेलकम। क्या क्या है खाने का मन है? मीठे मीठे ज्यादा बिस्कुट। ये देखिए, हम लोग ने कलेक्ट किया है इतना सारा बियर कैन, ये है स्ट्रॉन्ग बियर किंग फिशर। इसको लेकिन अच्छे से धुलाना पड़ेगा, ये सबका पीने वाला है। नमक, प्याज, ज्यादा चाहो हमें चाहिए होगा ना। इतना छुटकू हो के आयांग, छोटकू वाला का नाम है आयांग, और जो बड़ा वाला इसका नाम है बीरो। छोटा होके देखा ना, इतना ताव, बाप बड़े बाप। रास्ता जाते हैं नदी की ओर। लुक एट द कलर ऑफ द स्काई गाइस, ब्लू आकाश का मतलब क्या है पता है? आसपास का एरिया फुल ऑफ ऑक्सीजन। अभी दिल्ली का आकाश देखो, आपको ब्लू नजर नहीं आएगा, स्लाइट थोड़ा दस्ती दस्ती व्हाइट व्हाइट,
ऐसे टाइप का होगा। अगर ब्लू है पूरा, मतलब कि ऑक्सीजन का भरमार है यहाँ पे, भरपूर ऑक्सीजन है यहाँ पे। ओए ओए ओए, बुआ लकड़ी चोर कर रहे दूसरा का घर से। मामा का घर, मामा का घर होने से क्या चोरी करेगा क्या? हाँ, मामा गाली नहीं देगा बोल रहे। देखिए हम लोग नदी में पहुँच गए हैं। वाह, हमें परफेक्ट स्पॉट मिल गया है। लकड़ी पास में है नदी और ऊपर में है छाया, ये है परफेक्ट स्पॉट। और इसका अंदर मछली भी हमको दिखाई दे रहा है। देखो मछली पत्थर के अंदर छुप गया। आइए, अरे आइए दे अंदर घुसाओ। तीन तो साफ हो गया। कहाँ चली गई बुआ? अभी तो यहाँ पे था, शायद पत्ता लेने गया होगा। एक भी साउंड नहीं आ रहा मेरे साउंड को छोड़ के। कहाँ गया था बुआ? पत्ता ढूंढने गया। ओहो, जंगल इतना सारा पत्ता है, हम लोग को पत्ता चाहिए होगा। पत्ता तो चाहिए, हम लोग जंगल से लेकर आए। देखो लकड़ी बुक कर जा रहे हैं यहाँ से, जंगल से, इतना भारी भारी विंटर के लिए। हाय कोलल अंतो अबा तबग पक पक। देखिए यहाँ पे हम लोग चिकन के साथ सब कुछ रेडी कर दिया है। यहाँ में कैरेट्स भी है, ग्रीन चिली, धनिया और ये लोकल अदरक है। अभी हमें डालेंगे टमाटर। तो देखिए हमारा मिक्स रेडी हो गया है। यहाँ पर आप चाहे तो मसाला डाल सकते हैं, ओके, तेल डाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने नहीं डाला है, एकदम लोकल, जो मैं बोलती हूँ ना हमेशा लोकल लोकल, तो लोकल स्टाइल में। सो अगर आप थोड़ा मसाला, लहसुन और तेल वगैरह सब मिक्स करके डालना चाहते, दही डालना चाहते तब भी डाल सकते हैं। ये ढक्कन हम लोग निकाल रहे हैं, आप भी जो ऐसा निकाल रहे हैं ढक्कन को। देखिए घिस घिस के इतना सुंदर से निकल गया, तो ऐसा हम सजेस्ट करेगा ऐसा करिए, क्योंकि इधर में बहुत तकलीफ हो रहा है डालने के लिए। जानता है, इतना जानता है मेरा कजिन भाई। देखो तो ये निकाल दिया इतना सुंदर से। ये मेरा वाला जो पूरा भर गया है, अभी मैं यहाँ डालूंगी ये टमाटर, थोड़ा सा नमक डाल के ये टमाटर यहाँ पे डाल देती हूँ। तो जब ये पूरा पक जाएगा ना, तो हम टमाटर को मैश करके चटनी बना के खाएगा। घुसो, अरे तो ओके। और एक रिमाइंडर है, आप जब भी इसको बनाने के लिए कोशिश, आया बहुत टाइट हो गया नानी, तो जब भी आप इसको बनाने के लिए ट्राई करो तो मेक श्योर कि आप पानी डाल रहे हो। ये वाला तो एक तो पूरा पक रहा है, ये आपका बहुत सामने है ना, ये वाला दूर है। एक तो टेस्टिंग करके देखते हैं गाइस, मैंने एक तो पीस निकाल देता है ऐसे छोटा सा।
मुझे बोला था ना, मैंने बोला था ना कि पूरा फ्लेवर सब लॉक हो गया और मेरे मुंह में अभी रिलीज हो गया। आहा हा, ये एक एक कैन हम लोग का सब। ओ अभी यहाँ में अभी देखो वो निकलते ही ये उबलने शुरू हो गए। टमाटर जलाएंगे अभी चटनी के लिए। बुआ कैसा लग रहा है यहाँ में जंगल में? अच्छा लग रहा है। अभी हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अभी ये भी उबाल हो रहा है वो भी उबाल। ये देखिए मैंने साइड में टोमेटो रखा था ना, इतना सुंदर से स्मोक हो गया है। धूप भी जा रहा है, जल्दी जल्दी खा कर जाना है हमें। ओके, तो ये जो मैंने टमाटर डाला था वो पूरा अंदर गल गया है गाइस देखिए। और इसको भी हम अपना जो चिकन है उसमें पूरा मिक्स कर देगा। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। ये मेरा पानी देखो, नानी का पानी का है, ये है बुआ का पानी, केकर का कौन सा है ये देखो, बेम्बू का अंदर देखो, अदरक और धनिया। किसको? ये जो मैंने स्मोक किया था, ओह टमाटर और मिर्ची, इसको भी थोड़ा धुला लेते हैं। देखिए हमारा स्पेशल चटनी भी रेडी है। शाम का 3:30 हो गया है, 4 बजने वाला, और इतना ठंड हो रहा है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी खाना है और हमें निकलना है। तो फाइनली हमारा बियर कैन वाला चिकन रेडी है, अभी हम लोग खाते हैं। टिंपू अभी भी गर्म है, सोचो तो कब से लाने लगा, बहुत तंग हो गया। अब उनका जल्दी अलग अलग गर्मा गर्म। वाह वाह वाह, इतना स्मेल अच्छा आ रहा है इससे। अब चटनी चटनी इतना गर्म है। नहीं तो आदि निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ना पूरे अलग निकलेगा ये सिर्फ देना नकल स्पून तो आपको। इतना बढ़िया लगा, ऊपर से इतना ठंडा इधर खाने के लिए मजा लग रहा। खाना भी हम लोग का लोकल चावल, इतना टेस्टी है। पानी वाह, पानी। आज का आउटडोर कुकिंग आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिए। मिर्ची बहुत ज्यादा खा लिया। सो और ऐसा टाइप का वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड बटन देख रहे हैं ना, रेड बटन क्लिक करिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करिए, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा वीडियो आया कि नहीं। तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस टाइप की वीडियोस लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अ वेरी वेरी स्पेशल वीडियो। तब तक के लिए बाय गाइस।